हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी संचेती चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नॉर्मली रूप से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। इसको मैं आपको 3-4 पार्ट में बताऊंगी ताकि आपको सीखने में समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम छोटी साइज की प्रिंसेस कट की आपको कटिंग बताएंगे। तो इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे 32 साइज। तो ये देखिए दो पार्ट है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में क्या होता है, प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको आगे का और बैक साइड का दोनों पार्ट जो हमारे बराबर होंगे, तो हम इनको अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं और साथ में भी कटिंग कर सकते हैं। तो आपको फर्मा कटिंग सीखने के लिए सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको फर्मा कटिंग करनी चाहिए। तो हम फर्मा कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ और इसी चैनल में चार्ट अपलोड भी हुआ है, तो आप उस चार्ट की वीडियो भी देख ले और उसके बाद में यहाँ पे हम नेक वर्थ और शोल्डर अपने चार्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इस चार्ट की वीडियो आपको मिलेगी कि चेस्ट के अकॉर्डिंग हम नेक वर्थ और शोल्डर कितना लें। तो यहाँ पे हम 32 का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग आपको सिखा रही हैं। तो इसमें हम नेक बताएंगे, जैसे नॉर्मली नेक ले रहे हैं, सबसे पहले 6 और 7, आगे का 6 और बैक साइड का 7। तो इसमें हमें नेक विड्थ कितनी लेनी होगी, तो यहाँ पे आते हैं तो चेस्ट का 11वां भाग, चेस्ट का 11वां भाग जानते हैं तो 32 का 11वां भाग 2.90 होगा। तो यहाँ पे हम 2.75 यानी कुछ उससे कम, या जैसे 2, 2.25, 2.5, 3.5 तो यहाँ पे हम 2.75 लेंगे चेस्ट का 11वां भाग, नेक विड्थ लेंगे 2.75। शोल्डर हमें कितने लेने होंगे, तो यहाँ पे चेस्ट का 5.5वां भाग है, तो चेस्ट का 32 चेस्ट का 5.5वां भाग होता है 5.80। तो यहाँ पे हम लेंगे 5.75 या फिर 5.50, आप 5.5 या 6.5 ले सकते हैं यहाँ पे शोल्डर, अगर आपका नेक 6 और 7 हो तो। तो आइए आप देखिए यहाँ पे 3.5 और 6.5। तो सबसे पहले आप प्रिंसेस कट ब्लाउज 32 के लिए, और यहाँ पे हम 32 पे 5.5 इंच ही हम शोल्डर ले रहे हैं अपनी चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ उसमें से हल्का सा कम करना होगा, बिल्कुल उतना ही ना ले। तो यहाँ पे हमने 5.5 शोल्डर लिए हैं और 2.75 नेक विड्थ ले लिया है, इसको हम नेक विड्थ बोलते हैं, और ये जो हमारे होंगे वो शोल्डर होंगे। नेक है हमारा 6 आगे का और बैक साइड का 7, तो यहाँ पे आप 6 लगा लो मार्किंग आगे के लिए, बैक साइड के लिए हम लगाएंगे 7 पॉइंट पे। तो बैक साइड का हमारा जो नेक होगा वो 1 इंच और नीचा हो जाएगा, वो हम इस प्रकार से लगाएंगे, और ये आपकी इसकी विड्थ हो गई है 3.5 इंच। तो आज हम इतना ही समझेंगे कि शोल्डर हमारे नेक विड्थ कितना लेते हैं, हमारे शोल्डर कितने होने चाहिए, और अब मैं आपको इसके साथ में आर्म होल भी बताऊंगी। तो आर्म होल यहाँ पे जैसे ये हो हमारे 5.5 हो गए हैं यहाँ से भी, और अब हम आर्म होल यहाँ से ले रहे हैं 5.6 इंच। अगर आप यहाँ पे नेक ओपन होता है तो आप यहाँ पे 5.5 इंच भी आर्म होल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक बंद है बैक साइड का, जैसे 7 इंच यानी कि नॉर्मल ही है, तो यहाँ पे हमें 5.6 इंच ले लेने हैं। और ये 5.6 पे हमने यहाँ पे चेस्ट की जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे। तो इससे पहले आपको 3 पॉइंट आज समझने हैं। फर्स्ट तो नेक विड्थ क्या है, सेकेंड शोल्डर क्या है, तीसरा आर्म होल क्या है। तो नेक विड्थ हमने ली है चेस्ट का 11वां भाग 2.75, शोल्डर हमने लिया है चेस्ट का 5.5वां भाग, यहाँ पे 5.80 आता है, हमने यहाँ पे 5.50 लिया है, इससे कम कर दिया थोड़ा सा, तो 5.5 इंच हमने ये लिया है। यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच फिक्स है, तो हमने शोल्डर भी 5.50 और आर्म होल भी 5.50 लेना है। यहाँ पे आपको 1/4 इंच ऊपर शेप लगाना होता है। अब आप आगे का नेक का ऐसे शेप लगा लें जैसे राउंड के अंदर, जैसे भी आप पसंद करते हो वैसे,
और इसी प्रकार से आप ये बेक साइड का सिप भी हमने लगा दिया है। इसी प्रकार आपको लगाना है, बेक पार्ट में लगाना है ये सिप आपको आगे के पार्ट में लगाना है, वो मैं आपको बेक पार्ट बाद में भी बताऊंगी। यहाँ पे हम 1.25 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच सेंटर में, जो आर्मोल का बीच सेंटर है वहाँ पे आप 1/4 इंच का ड्रॉ कर दिए और 1/4 इंच नीचे रख लीजिए, ऊपर 1/2 इंच रख लीजिए। तो ये आप उसको आपको यहाँ से लेना होगा और जो ये बेक साइड का सेप हम लगाएंगे उसको हम ऊपर से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम आगे का सेप यहाँ से लगाएंगे और हाथ से बिल्कुल आसानी से आप इसको ऐसे ड्राइंग कर सकते हो। बेक साइड के लिए देखिए इस प्रकार से करेंगे हम कुछ, तो आपको इस प्रकार से पहले पेपर पे फर्मा कटिंग करके और ये सब ड्राइंग करना होगा हाथ से, फिर कटिंग करनी होगी ताकि आपको परफेक्ट और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको कटिंग मालूम हो। अब जो प्रिंसेस कट की मेन कटिंग होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सिर्फ हम चेस्ट में कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो मैं बताऊंगी कि जो प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं यहाँ पे चेस्ट होता है आपका 1/4 भाग चेस्ट का 8 इंच हो गया है, यहाँ पे हम मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो 1/4 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। और जो भी आपको मार्जिन लेना हो तो वो आप इसमें 1/2 इंच या 2 इंच ऐड कर सकते हैं मार्जिन के लिए, तो अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक लाइन, नेक राउंड, नेक विड्थ, शोल्डर, आर्मोल, आर्मोल में दो बताए हैं मैंने कि अगर आप फिटिंग चाहें 5.5 इंच आर्मोल लें, अगर आप हल्का सा लूजिंग चाहें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें।